हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में, कुछ ऐसे मिस्ट्री बताऊंगा, मिथ बताऊंगा और ऐसे अननोन फैक्ट बताऊंगा जो कि गाइस सच में बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो गाइस, अगर आप ये फैक्ट जानना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, मैं वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए गाइस प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जो 100 वर्ड है इसका मतलब होता है हमारी इंडियन लैंग्वेज में 100 मींस 100। बट गाइस, अगर मैं कहूँ कि 100 वर्ड का मतलब होता है 120 मतलब 120, तो गाइस आपका रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ गाइस, ये 100 वर्ड है ये गाइस ओल्ड नॉर्स से लिया गया था, जिसका मतलब होता है 100। और गाइस 100 का रियल मतलब है 120 मतलब 120। गाइस, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ है तो गाइस आप ओपन करिए गूगल और उसमें ये फैक्ट सर्च करिए, गाइस आपको टॉप पे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों मैं प्राइमरी क्लासेस में भी रोमन नंबर बहुत ज़्यादा पढ़ाए गए हैं और गाइस आपको पता होगा कि रोमन नंबर होते क्या हैं। तो गाइस, 0 जो होता है वो रोमन नंबर में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, क्योंकि गाइस जो एंशिएंट ग्रीक थे वो गाइस 0 को एक नंबर ही नहीं मानते थे, क्योंकि गाइस 0 ना तो डिवाइड हो सकता है 0 से और ना ही वो मल्टीप्लाई हो सकता है 0 से, इसलिए गाइस वो 0 को एक रोमन नंबर में नंबर ही नहीं मानते। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जो 9 है वो एक मैजिकल नंबर है। और गाइस इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने मन में कोई भी एक नंबर चूज़ कर लीजिए और गाइस आप उसको मल्टीप्लाई करिए 9 से, तो गाइस जो उसका आंसर आएगा तो उन दोनों डिजिट को या तीनों डिजिट को उसको आप प्लस कर दीजिए और गाइस उनका जो सम होगा वो गाइस 9 होगा। मतलब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो गाइस मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो आपने मन में अपने नंबर सोचा था वो अगर 4 है तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो उसका आंसर आएगा 36। और अगर हम 3+6 करेंगे 36 जो भी होगा, और हम उसको अगर 3+6 करेंगे तो गाइस उसका आंसर भी 9 होगा। और ऐसे ही गाइस आप कितने भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए और जो उसका आंसर होगा उनके दो डिजिट को ऐड कर दीजिए तो गाइस उसका आंसर भी 9 होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जो 7 है उसको मोस्ट लकीस्ट नंबर माना जाता है और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा लोगों का फेवरेट है। अगर आप बहुत से लोगों से पूछेंगे कि आपको 1-डिजिट नंबर कौन सा ज़्यादा फेवरेट है तो गाइस उसका आंसर 10% आंसर यही होगा कि 7। और गाइस इसे यूरोपियन देशों में भी बहुत ज़्यादा 7 को लकी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जो 30 नंबर है गाइस इसको बहुत ही ज़्यादा अनलकी नंबर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही इसे इंडिया में इतना अनलकी नहीं माना जाता, लेकिन गाइस इसे बाहर के देश जैसे USA हो गया और गाइस ऐसे बहुत से देशों में इसे बहुत ज़्यादा अनलकी माना जाता है। और गाइस इसके बारे में दूसरा फैक्ट ये है गाइस, अगर आपको अमेरिका में अगर आपको एक घर चाहिए और वो गाइस आपको बहुत सस्ते में चाहिए तो गाइस आप 30 नंबर का मकान ले सकते हैं, वो गाइस आपको $6,000 का कम डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। और गाइस ऐसे ही आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप 30 नंबर की लेंगे, चाहे वो वहाँ पे एक गाड़ी हो या कुछ भी 30 नंबर का लेंगे, तो गाइस आपको वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में पड़ जाएगी। तो गाइस कैसे लगे आपको फैक्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।